जोहार मुई अशोक आचार्य कौशल दर्शन न्यूज चैनल के आपण मानक स्वागत करुचे। पुर्णा राग के नहींकरी धांगेर गाँव नु गोष्ठी झमेला गला 18 तारीख संध्या 7:30 भितर धांगेर गाँव ऐरावत गोदरेज फैक्ट्री नु कमेंट मरा के नहींकरी गोटे मारपीट रमेला आसन क्या थी लगे झमेला आ मारपीट हो फैक्ट्री मालिक आ गाँव लोकनु जानमा। हे मो ना दिलीप कुमार पंडा, मुझे फैक्ट्री मालिक है और आवास टी मोर फैक्ट्री ना आई आयो विगत दुई दिन भितर आई कण गोटे घटना घटी इन कण मारपीट होते कण होता है। 18 तारीख रात घटना है, आम लोडिंग करूँ तीनटा पिला आसल फैक्ट्री मैनेजर जी अच्छे अक्षय कुमार ढोल ता सा लगे लगिक पलि गले टे तुतु मेमे है पलि गले आज्ञा लोडिंग सरपुर मोर पिला पलि था 7:30 बजे प्राय 60 लोग आसते आज्ञा आसिक फास्ट मोर सा लगा लुगी कले मोर पिला पहुँचला आज्ञा सागे सागे ताकि पिटा मरा चार्ज कर कथा बार्ता नहीं कि डायरेक्ट पिटा मरा कर बुलडारे एडमिट अच्छे आज्ञा तार नाग लुगे फाटी जाइए। बड़ घटनाटे इश्यू नहीं बाबदे बड़ घटना आज छोटे पला तो इश्यू कले आगे होता गोटे झगड़ाटे होता सर पुलिस थाना कंप्रोमाइज कराइल आज्ञा सेटा पाखापाखी 3-4 मास आगर घटना आज्ञा सेटा कंप्रोमाइज होता है आज्ञा बाकी आज्ञा जितने झगड़ा हो मारपीट हो जाए जेन मैंने कंप्रोमाइज करते आज्ञा से मर पार्टी ही आसिक आज्ञा पिटा मुरे कर आज्ञा हाँ बहुत तोड़फोड़ कर मोर टाटा लोडिंग थी गाड़ी भांगी दीजन आज्ञा काज भांगी गाड़ी के पलटे दीजन मोर इंडिगो के पूरा भांगी दीजन कार 3,56,000 टाँचा चूरे नहींजन आज्ञा मोर पिला सीरीयस होजन आउ जोड़े पिला कि पिटीजन आज्ञा तापे मोर गोडेज फैक्ट्री गेट भांगी करी गोडेज फैक्ट्री टोटल गोडेज 30-40 पीस गोडेज के पूरा चूरमार कर नहींजन आज्ञा हाँ झगड़ा था आज्ञा गोटे कंप्रोमाइज होता पुलिस स्टेशन सदर थाना कंप्रोमाइज होता है आज्ञा से हाँ से दुई पाखे म्यूचुआल अंडरस्टैंडिंग होता बट तक राग थी आज्ञा से पिटीजन भी आज्ञा से मास्क भी नहीं आते जेन मैंने कंप्रोमाइज करते मास्क भी नहीं पिटी आते आज्ञा और भांगवाटा आज्ञा से स्टार्ट कर गाड़ी थे पलि गले दुई नंबर थोड़ा दौड़ी थे 250 लोग आसिक आज्ञा पिटा मरा स्पार भंगा भूंगी स्टार्ट कर आम जेन पिला के पिटीजन तार नाक जेन फाटी जे मोर जेन पथर केचिजन से भिओस है जे मुई मोर दुई तीन टा पिला ताकि उठे आनलु आज्ञा उठे आनलु आम ठिया होती आम गेट ये गेट सामने आम ठिया होती आम टाटा आसिक भांगुले ना भांग बोलू बोले आज्ञा से आमको पथर मारे बसले बोले आम दौड़े जीवन बचा बोली भितर पलि आलु बोले से आज्ञा भंगा भूंगी स्टार्ट कर आज्ञा। मोर ना पूर्णचंद्र दोरा आज्ञा फैक्ट्री मुझे गोटे लेबरटे काम करसी इन एटा 18 तारीख घटना आज्ञा एक्चुअली आम भितरे काम करूँ आमर मालिक पाखे केदरा पिला आईसते आमकर सागे कण कण डिस्कसन हो तार पलाले पिला माने सब तार आमर मैनेजर घर के जाइए से सडनली ऑफिस के ऑफिस पाखे पलिशन ऑफिस पाखे आला सडनली सियाड़ 50-60 पिला दौड़ते लाइले मैंने पूरा मारपीट कराइजन बोले परिचय टी दे भना अहल्या बारी हाँ धांगेर 18 तारीख कण गोटे झगड़ा टेला होता क्या लगे झगड़ा होता क्या लगे बोले एटा हेन गोटे गोडरेज फैक्ट्री अच्छे से बाटे गाधी गुधा झाड़ा झुड़ी जाऊन गला बेले से मैंने खराब कथा गुड़ाक कहछन लेडीज मैंने जाऊन बोले से मैंने से फैक्ट्री काम करा पिला मैंने खराब कथा गुड़ाक कहछन बोले एंता कर सुनी सुनी कर पिला मैंने झमला सृष्टि है तो से जगानु सी हानि कहूचे मोर गाड़ी रे 3,56,000 टका थिला बेले इमाने मोर गाड़ी भांगी करी आमको मारपीट मोर मनसी के करी करी मते भी मारी पीटी करी धमक दे करी से 3,56,000 टका चोरी निसन बोली करी कहूचे। आमर बाबू जाइथिला बेले सेन 13 मार गाली हेले 13 तापने दादागिरी हेकरी रखीछन आर चोरी केस दे नै छन आर गोला जे 1,00,000 टका 3,00,000 टका चोरी जाइ छे बोले आर कहली मल्टी बारिट आयो 18 तारीख झगड़ा विषय रे काने जानी जा झगड़ा तो नै जानी आमे ने थे गुटे गाँ जेतलु जो आइलु बेल के गोलमाल हो छन बोल दे बेल के मोर पु जई करी दूर देखु थला जे ता ना दे लई छ चित्र भानु बारी सेन तमने झाड़ा जोड़ी जाउ थले बोले से ताको घोड़ा कुदा कोले बोले झाड़ा हो थले मोर पु ने थे काम करी जेला असुर पहला की गला गला से छुआ जोड़ी रख ससर हे पड़ी थली जीवन आखला शिक्षा के नहीं गल शिक्षा मान को नहीं गल डाक्टरखाना नाला बेले मोर पु के से हेन्दा कही छे केस ना आपन कर फोन ना नारायण नारायण काने पुर इ माने से गाली गुलमा लागो हो दुले परे बोले पछे से मोर पिला जे देखी बेला से सीता ना दे नहीं छन इ झमेला बाबत रे
ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଜାଣିଲା ଆସୁନ୍ ଏ ଝମେଲା ବାବଦରେ ସଦର ଥାନା ବାବୁ କାଣ କହୁଛନ୍ ଶୁନମା। ମୁଁ ଦିଲୀପ କୁମାର ବେହେରା, ସଦର ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ, ସଦର ଥାନା ବରଗଡ଼। ସାର୍, ଯେନ୍ 18 ତାରିଖରେ ଧାଙ୍ଗେରେ ଯେଉଁ ମାରପିଟଟା ହୋଇଥିଲା ତାର ତଦନ୍ତ କେତେ ଦୂର ଗଲାନ ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ, 18 ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ସଦର ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 320 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଥିଲା, ରାଇଟିଂ ଦଫା, ତା ସହିତ ଚୋରି ଦଫା ମଧ୍ୟ ଲାଗିକି ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ 18 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30-8 ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ମ୍ୟାନେଜର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଧଳଙ୍କ ସହିତ ସେ ପଡ଼ାର କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା ପରେ ତା'ର ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ପଡ଼ାର କିଛି ପିଲାମାନେ ଅନୁମାନିକ 30-40 ହେବେ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଝାମେଲା ଲାଗିକିରି ଗଡ୍ରେଜ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର କିଛି ଗଡ୍ରେଜ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଗାଡ଼ି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିକି ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯିଏ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ତାକୁ ଆସଲ୍ଟ କରିବାରୁ ସେ ବୁର୍ଲାକୁ ବରଗଡ଼ରୁ ବୁର୍ଲାକୁ ତାଙ୍କୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କେସ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯିଏ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲେ ଜଣେ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଫରାର କଲୁଣୁ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିରୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ, ସ୍ଥିତି ଏବେ ଆୟତ୍ତର ଅଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ହଁ ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ 356 ଟଙ୍କା ଡକାୟତି ହୋଇଛି ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି 350-55 ଟଙ୍କାର ଡକାୟତି ହୋଇଛି ବୋଲି। ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ମିଳିପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଝାମେଲା ହୋଇଛି ଏଇଟା ପ୍ରୁଫ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସା ଉପରେ ଆମର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର କହିବାର ହିସାବରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ବି ଦିଆହେଇଛି, 8 ଜଣଙ୍କ ନାମଟା ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେନୁ ନେଇଥାଇ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତି କରିକି ଆମେ କେତେ 8-9 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରାହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ୱିଟନେସ୍ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ, ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ କିଏ କିଏ ଲୋକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ, କେଉଁ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ରେ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଭେରିଫାଏ କଲାପରେ ପୋଲିସ ତା'ର ଫର୍ଦର ଷ୍ଟେପ୍ ନେବ।